हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल परी ब्लॉग 786। आज हम जा रहे हैं श्रीनगर में। एक लकड़ी का पुल है जो इसे ज़ीरो ब्रिज कहते हैं। इसका इतिहास क्या है मैं वो आपको आगे बताऊं। और ज़ीरो ब्रिज क्यों कहते हैं? ये है मेन बाईपास, ठीक है, आगे वाला मेन बाईपास। सीधे जाएंगे, सीधे राइट, फिर लाल चौक पहुंचेंगे। लेफ्ट साइड से यहाँ गुलमर्ग गुलमर्ग जाते हैं, राइट साइड से हमारे स्कूल बाईपास बाईपास जाते हैं। देखिए कश्मीर का ज़ीरो ब्रिज है, ये बहुत ही खूबसूरत है। आसपास ऐसे होटल है, गर्ल्स हॉस्टल्स हैं यहाँ पे। होटल्स देखिए, यहाँ वाजवान रेस्टोरेंट है टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। अभी हम एंटर कर रहे हैं ज़ीरो ब्रिज पे। ज़ीरो ब्रिज ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, झेलम नदी पर बनाया है। ये राजबाग और शनिवार के को जोड़ता है। और ये ज़ीरो ब्रिज, हम इस तरफ से आए हैं, एंटर कर रहे हैं। ज़ीरो ब्रिज लकड़ी से बना ऐतिहासिक पुल है। ये इसलिए मशहूर है क्योंकि ये लकड़ी से बना हुआ है और शांति माहौल के लिए मशहूर है। ज़ीरो ब्रिज को 1950 में बनाया गया था, मुख्यमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद के कार्यकाल में ये बनाया गया था। 1980 में इसकी लकड़ी कमज़ोर होने लगी, ऐसा महसूस हुआ तो गवर्नमेंट को, तो इसे बंद किया गया था। फिर से इसे रिपेयर करके इसे ओपन किया गया है और बल्कि और अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है। एक लाइटिंग लगाई गई है, आप देख रहे हैं नज़ारा। देखिए शिकारा नीचे है झेलम नदी पे और एक तरफ पहाड़ है। जब बर्फ़ का सीज़न होता होगा तो सब बर्फीले यहाँ पे मतलब नज़ारे होते होंगे। अभी भी क्लाइमेट इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये देखिए इस तरफ से मैं आई हूँ, ये मेन गेट है और ये पूरा नज़ारा मैं आपको बता रही हूँ। झेलम नदी के ऊपर है लकड़ी का पुल ये, और शाम के टाइम इसमें स्टॉल लगते हैं। शायद दोपहर के बाद ही लगना शुरू होते हैं, लेकिन मैं भी मॉर्निंग में आई तो स्टॉल बंद है। खाने पीने के सब चीज़ें मिलते हैं यहाँ पे, और शाम में लोग इस पुल पे आके, लकड़ी के पुल पे आके मज़ा लेते हैं। देखिए ब्रिज पे ऐसे खाने पीने के स्टॉल्स है, ये लकड़ी के ही है पूरे। ये देखिए बैठने के लिए इस तरह बनाए गए हैं। यहाँ से कुछ खाने से लेकर यहाँ बैठ के खा सकते, इतना अच्छा लकड़ी के बनाए हुए हैं। देखिए चल रही हूँ तो मैं पूरे लकड़ी के, ये देखिए कितना अच्छा बनाया है। ऊपर देखिए पूरा लकड़ी से बना हुआ है पूरा ये। नज़ारा है यहाँ से और मौसम भी बहुत खुशनुमा है। अभी बहुत है नाक में, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं जा रही है तो मैंने ये मास्क लगाई हूँ। सुकून से यहाँ बैठिए और क्लाइमेट और खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लीजिए।
और इतनी ठंडी है कि शाम में आप उसका मज़ा ले सकते हैं। ये सब लाइटिंग है, देखिए रात में चालू होती है सब ये। जी जी जी, ये देखिए ऐसे, बस आप इस यहाँ पे शाम में आइए, रात में इसका नज़ारा कुछ और ही रहता है। एकदम लाइटिंग रहती है, खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, देखिए ऐसे सीटिंग है, और इतनी ठंडी में और स्नैक्स वगैरह खाने का मज़ा ही कुछ और रहता है। देखिए ऐसे टेबल। देखिए लोग इस तरह बैठ के यहाँ पे नज़ारों का मज़ा लेते हैं। कितना बड़ा, देखिए वहाँ से लेके ये देखिए इस तरह शिकारे खड़े हुए। जीरो ब्रिज हमने पार कर चुके हैं, यहाँ से भी रास्ता है जाने का, और यहाँ से जीरो ब्रिज पार करते हैं तो वहाँ पे देखिए ऐसे नीचे इस तरह होटल्स है, खाने के होटल से और रहने के लिए भी होटल से टूरिज्म के लिए। ये जम्मू कश्मीर बैंक। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कश्मीर के ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब, दुआओं में खास याद रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए और मुझे से कनेक्ट। कश्मीर में कितनी सिक्योरिटी है आपको, जगह जगह ऐसी सिक्योरिटी मिलेंगी आपको।